आपके भी गेम में टाइम लिमिट लग जा रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार, फ्री फायर इंडिया जो कि रिलीज तो 5 सितंबर को होगा पर इसका असर हमें मेन गेम में भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि एज वेरिफिकेशन, वर्चुअल वर्ल्ड अलर्ट और सबसे मेन चीज गेम के अंदर प्ले टाइम लिमिट। तो हाँ, जिनका भी ये आया एंड अगर उन्हें ये लग रहा है कि उनकी आईडी बैन हो गई तो नहीं यार, ये ना आपका ब्रेक है, यानी कि आज का कोटा कंप्लीट। पर ऐसा नहीं है कि आप लोग गेम ही नहीं खेल सकते, आप ना अपने किसी दूसरे आईडी से खेल सकते हो, लाइक अगर आपका कोई नूब अकाउंट या फिर कोई सेकंड अकाउंट है ना उससे खेल सकते हो। तो आज ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री फायर इंडिया के अंदर और कौन कौन से नए चेंजेस आने वाले हैं। बट हाँ, उससे पहले आप लोग यार अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना, यानी कि वही लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो जो सबसे पहला चेंज है ना वो है अपना नेक्स्ट कोलैबोरेशन MSD के साथ, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी सर के साथ, जिसमें आपको गेम के अंदर ही धोनी सर का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। मेरे तो फेवरेट है यार ये, और साथ ही में गेम का लोडिंग स्क्रीन ये सब भी चेंज हो जाएगा, MSD के ऊपर बेस्ड हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि क्या ये कोलैबोरेशन खाली फ्री फायर इंडिया के लिए ही है, यानी कि जो नॉर्मल फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स है उसके अंदर हमें ये कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आंसर है नहीं, क्योंकि जो फ्री फायर इंडिया होने वाला है ना उसके माही सर अपने ब्रांड एम्बेसडर है, एंड फ्यूचर में और भी इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ आपको कोलैबोरेशन देखने को मिल जाएगा, लाइक सुनील छेत्री एंड और भी बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज आएंगे अभी फ्री फायर इंडिया में। खैर, जो नेक्स्ट चीज है वो है PC अनबैन फॉर फ्री फायर इंडिया। अब जिनको भी पता, मैं उनको बता दूं कि PC प्लेयर्स ना इंडिया के अंदर रैंक मैचेस नहीं खेल पाते हैं, एंड उनका सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि क्या यार हम फ्री फायर इंडिया के अंदर PC से खेल पाएंगे। तो यार इसका आंसर है यप, आप PC प्लेयर्स ना खेल पाओगे इंडियन वर्जन के अंदर रैंक मैचेस को, जो कि मेरे हिसाब से तो एक बेस्ट अपडेट है यार, क्योंकि बहुत सारे PC प्लेयर्स फ्रेंड्स है जो कि मेरे साथ रैंक नहीं खेल पाते, तो अब सही रहेगा सब कुछ। देन जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है ओल्ड आईडी अनबैन को लेके। तो हाँ, अगर आपका पास्ट में कोई भी आईडी विदाउट एनी रीजन, ठीक है पहले बता दे, तो अगर आपने हैक या फिर कभी भी कोई ग्लिच फाइल वगैरह इन सब टाइप का अगर कुछ यूज किया है इसके कारण बैन हुआ, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। बट अगर विदाउट एनी रीजन बैन हुआ है गलती से, तो आपकी ना आईडी वापस से अनबैन हो जाएगी। पर हाँ, शर्त यह है कि विदाउट एनी रीजन होना चाहिए, अगर आपने गलती से भी कुछ किया हो फिर भी आपका वो रिटर्न नहीं आएगा। देन है प्ले टाइम लिमिट, जिसको कि आपने खुद भी साक्षात सामने से एक्सपीरियंस किया ही होगा। अब आप लोग जब भी गेम को 6 घंटा से ज्यादा खेलोगे ना तो आपको ये पॉपअप से होगा, एंड अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अपुन को क्या, अपुन तो 18 प्लस है, या फिर अगर आप 18 प्लस नहीं हो फिर भी अगर आपने 18 प्लस सिलेक्ट किया है, फिर भी मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि आप 18 प्लस रहो या फिर ना रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस 6 घंटे का ही लिमिट मिलेगा, आप 6 घंटे के बाद गेम को नहीं खेल सकते हो। एंड मैंने ये भी देखा कि आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई मैं 17 का हूं या फिर मेरा 18 अभी होने वाला है, तो मैं क्या सिलेक्ट करूं, बिलो 18 या फिर अबव 18। भाई इतना क्या सोचते हो यार, चुपचाप अबव 18 कर दो ना, इतना क्या है, माइनस नहीं जाना है, ठीक है आप 18 प्लस ही करो। इतना झंझट कौन पालेगा यार कि अपने मम्मी पापा के फोन से वेरीफाई करवाओ, ये करो, देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 18 प्लस सिलेक्ट कर देना। ऐसे भी गेम के अंदर टाइम लिमिट आ गया है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी गेम अनलिमिटेड टाइम तक नहीं ही खेल सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो है आईडी ट्रांसफर को लेके, कि आप लोग अपने फ्री फायर आईडी को फ्री फायर इंडिया के अंदर कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो, ये चीज मैंने कल भी बताया था और आज पूरा क्लियर ही कर देता हूं, ताकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट ना रहे, जो कि गैरिना ने खुद ही कंफर्म कर दिया कि देखो आपको इसके रिलेटेड कोई भी चिंता नहीं करना है कि यार मेरी आईडी कैसे ट्रांसफर होगी वगैरह। अगर आपके गेम में, ठीक है, अगर आपने कल या फिर आज गेम अगर खोला हो एंड अगर आपसे पूछा है कि आप 18 प्लस हो कि नहीं, आपने सिलेक्ट कर दिया 18 प्लस, ठीक है, अगर 18 से नीचे भी सिलेक्ट किया हो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने 18 प्लस सिलेक्ट किया है, 18 माइनस सिलेक्ट किया है, गेम खोलने के बाद आपको लिख के आया कि फ्री फायर इंडिया इज अ वर्चुअल गेम वगैरह, आपकी आईडी ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है, अब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 5 तारीख को जैसे ही गेम डाउनलोड करोगे ना, आपकी आईडी ऑटोमेटिकली ही लॉग इन मिलेगी, ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि अगर आप गलती से भी, जैसे फ्री फायर इंडिया रिलीज हो गया, ठीक है, एंड अगर आपने गलती से भी फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स को वापस से डाउनलोड करके लॉग इन किया, तो आपकी जो आईडी होगी ना वो मेन सर्वर में नहीं आएगी, बल्कि एक सेम अकाउंट से नया आईडी क्रिएट हो जाएगा। इस टाइप का आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलने वाला है। तो मेरी मानो तो जब फ्री फायर इंडिया आ जाए ना, उसके बाद वापस से फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स डाउनलोड करने की गलती मत करना, एंड करते भी हो तो मेन आईडी का जो आईडी पासवर्ड है ना, लाइक जो फेसबुक या फिर गूगल अकाउंट हो,
उस आईडी से लॉग इन करने का ट्राई मत करना, बाकी सब कुछ है यार, सेट है सब कुछ। देन जो नेक्स्ट चीज आती है वो है गेम साइज को लेके, कि 5 तारीख को जब गेम आएगा तो इसका साइज कितना होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को दिन का बस 1 GB या फिर 1.5 GB डाटा मिलता है, तो क्या मतलब प्रॉब्लम होगा उनको? तो यार देखो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि गेम का साइज जो नॉर्मल फ्री फायर की साइज है ना, अराउंड 700 MB के करीब, बस उतना ही साइज होगा, ज्यादा साइज नहीं होगा। तो साइज को लेकर चिंता मत करो, खाली 700 MB या फिर 400-500 बस इतना ही MB के करीब होगा, ठीक है ना, 700 से ऊपर नहीं जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है अपना वो है, क्या फ्री फायर इंडिया सीजन 1 से स्टार्ट होगा? क्योंकि अगर फ्री फायर इंडिया कंप्लीटली एक न्यू गेम है तो होना तो सीजन 1 से ही चाहिए, बट मैं आपको बता देता हूं भाई, इस चीज का आप लोग बिल्कुल ही चिंता मत करो, क्योंकि गेम के जो बेसिक्स है ना, जो गेम बेसिक्स आप लोग खेलते हो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ठीक है। आपकी जो आईडी के अंदर, वॉलेट के अंदर जो जो आइटम्स है वो सेम रहेंगे, सीजन्स सेम रहेंगे, ओबी अपडेट्स जो आएंगे वो सेम रहेंगे, जो गेम का बेसिक चीज है ना, एक छोटी छोटी चीज, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। देन है फिक्स लैग एंड पिंग। गाइज आप बिलीव करो मेरा, फ्री फायर इंडिया के अंदर ना, फ्री फायर ने ऑफिशियली ये चीज बताया कि गेम को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है, एंड आपके जो पिंग या फिर लैग के इश्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आपके डिवाइस के कारण लैग हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, अगर आपका डिवाइस 3 GB रैम का है, ठीक है, बट फिर भी आप गेम खेलते हो एंड वो लैग होता है स्टैंडर्ड में भी, ठीक है। अगर आप अल्ट्रा पे खेलते हो वो एक अलग चीज है, बट अगर स्मूथ स्टैंडर्ड में भी गेम लैग करता है, फिर भैया ये चीज आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि गैरेना ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया फ्री फायर इंडिया के अंदर। आपका ना फ्री फायर का इंडियन वर्जन में लैग इशू और पिंग इशू, मतलब जो नॉर्मल फ्री फायर में होता है ना, उससे 80-90% कम हो जाएगा भाई, 80-90%, मतलब समझ रहे हो, देखा जाए तो टोटली खत्म हो जाएगा भाई। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये चीज भाई, मैं आईफोन में खेलता, ठीक है, क्या मतलब मैं फ्लैक्स मार रहा हूँ ओके ठीक है, मजाक कर रहा था, बट मैं फिर भी नॉर्मल बता रहा हूँ कि जब आप नॉर्मल गेम खेलते हो ना भाई, फिर भी लैग होता है, तो ये चीज फिक्स होना बहुत जरूरी था, एंड यस फाइनली गैरेना ने इसके ऊपर काम किया। और मेन बात यह है ना कि फ्री फायर जो इंडिया है वो 1 GB या फिर 2 GB रैम पे चल जाए, ऐसा ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले ईस्पोर्ट्स को लेके, मतलब अगर गैरेना अनबैन हो रहा है ना भाई, तो सबसे मेन चीज यही है ईस्पोर्ट्स। अब यार देखो, मैं सबसे पहले बता दूं कि जो भी लोग ईस्पोर्ट्स प्लेयर बनने का सपना रखते हो कि भाई काश मैं एक ईस्पोर्ट्स प्लेयर बनता गेम का, क्योंकि आपको ही पता है ईस्पोर्ट्स में पैसे तो हैं, बट पैसे नहीं यार, अगर आप गेमिंग के थ्रू अर्न कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा बेस्ट चीज कुछ हो सकता है ना। तो आप में से जो भी लोग ईस्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो, आपको बता दूं कि यूपी के अंदर फिलहाल एक टूर्नामेंट चालू हो रहा है ऑफिशियल, ठीक है, मैं पहले बता दूं ऑफिशियल है ये चीज, कोई लैंड टूर्नामेंट या फिर कोई ऑर्गेनाइज्ड या फिर किसी ऐप के थ्रू डेडिकेटेड ऐसा ऐप टूर्नामेंट नहीं है, ऑफिशियल गैरेना के थ्रू वो अनाउंस्ड एक टूर्नामेंट होने वाला है, जो कि ग्राउंड पे होगा, ग्राउंड लेवल पे। भाई आप इमेजिन कर रहे हो, मतलब मजाक सेट के फ्री फायर का टूर्नामेंट ग्राउंड लेवल पे होने वाला है यूपी के अंदर, तो आप लोग जितने भी यूपी से हो वो तो खुश हो जाओ, बट अगर हम लोग बात करें लाइक मैं बिहार का हूँ, ठीक है, या फिर आप में से जितने भी लोग कोई अदर स्टेट से हो, उनका क्या भाई, आप सबके लिए धीरे धीरे करके, मतलब हम सबके लिए धीरे धीरे करके ना ऑफिशियल लैंड टूर्नामेंट, जो ऑफलाइन टूर्नामेंट्स होंगे वो होंगे, जिसका प्राइस पूल करोड़ों में होगा, मजाक से हटके भाई मजा आने वाला है। बट हाँ ये चीज ध्यान रखना कि उसके लिए आपका एज 18+ होना जरूरी है, ठीक है, पता चले मैं आपको एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर का सपना दिखा दूं और आपका एज 17, 16, 13, 12, 10 ऐसे हो, तो नहीं ऐसे नहीं, आपको 18+ तो होना कंपल्सरी है, ठीक है, आपको होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं, आप लोग ट्राई तो कर ही सकते हो, जैसे मान के चलो आप 14 साल के हो, ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो स्पोर्ट्स, मतलब नॉर्मल टूर्नामेंट्स आप खेल सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है, मैं ऑफलाइन टूर्नामेंट्स की बात कर रहा था अभी, कि आप ग्राउंड पे जाके, लाइक टीवी पे देखते हो ना, जैसे BGMI का भी टूर्नामेंट्स चलता है स्टार स्पोर्ट्स पे, जहाँ पे क्रिकेट, और ये क्रिकेट से ज़्यादा है, आज इंडिया पाकिस्तान है ना भाई, मजा आएगा यार, इंडिया जीतेगा आज बाकी आप लोग मतलब बताना, वैसे इंडिया तो जीतेगा ही, मैं पूछ कह रहा हूँ कि कौन जीतेगा, बताना, इंडिया जीतेगा ऑब्वियसली, बट यस बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। और मैं बता दूँ कि आप लोग एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर जिनका भी ड्रीम था भाई, देखो जब तक इंडिया में बैन था फ्री फायर तब तक तो ठीक था, बट यार अभी अनबैन हो गया है, एंड ये BGMI की तरह नहीं है, जैसे BGMI का है ना कि 3 महीने बाद शायद से उसको वापस से बैन कर दिया जाए, हालांकि होगा नहीं, आई थिंक 3 महीने तो उनके हो गए, बट फ्री फायर का ऐसा सीन नहीं है, फ्री फायर अनबैंड है, कोई भी 3-4 महीना के लिए नहीं आया है, ठीक है, तो आप लोग एंजॉय करो, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी क्वेश्चन हो बिंदास कमेंट में पूछो, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो इंस्टा पे पूछो।